नमस्ते सभी दोस्तों को। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ कयामत की समय, अंतिम समय। आज कुरान वालों को भी अंतिम समय दे दिया गया है। जे हम लोग कयामत तक समय देते हैं, तुम लोग ईश्वरीय ग्रंथ इसको प्रूफ करो। और ये बाइबल वालों को भी बोला गया है, बाइबल वाले तो सामने आते नहीं हैं। आज मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आज लोग कई दिन से आप लोग देख रहे हैं कि ये पादरी राजेश जहाँ हम लोग से बात करते हैं वो जहाँ जहाँ वो निरुत्तर रहते हैं, मूर्ख जहाँ जहाँ निरुत्तर हो जाते हैं उस जगह को नहीं लगाते, काट छाट के लगा के रखते हैं उसमें, ताकि उसकी पब्लिक सिटी बढ़े। उसकी तो पब्लिक सिटी बढ़ नहीं रही है, तो हम लोग से ऐसी बहस करके ही बढ़ाना चाहता है। ये क्या करना चाहता है वो जाने। उस दिन मैंने उससे पूछा था कि आप सृष्टि उत्पत्ति की विषय में बताओ जरा, तो उसने गलत बोल रहा था। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बाइबल को खोला, खोल के बोला ऐसा नहीं है, ये सृष्टि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, जहाँ गहरे जल के ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो बोला हाँ हाँ सही है सही है। तो मैंने इसका जवाब पूछा था उससे, जो ये जो शून्य जो स्पेस है इसकी उत्पत्ति यहोवा ने कैसे कर दी। तो उसने कुछ एटम उटेम समझा रहा था मुझे, ऐसा ब्लास्ट हुआ क्या हुआ। मैंने बोला अरे भाई शून्य की उत्पत्ति तुम्हारी यहोवा ने कैसे की। ये रिकॉर्डिंग को उसने डाला नहीं था। और जो पृथ्वी को जो बनाया था यहोवा ने, वो कौन सा मेटेरियल था, क्या था, कौन सा मेटेरियल, बिना मेटेरियल की कोई सामान के बनना उत्पत्ति है, संभव है, कभी नहीं संभव होगा। तो उसने इसका भी जवाब नहीं दे पाया। जब सृष्टि हुई नहीं थी तो वहाँ से पानी कहाँ से आ गई जहाँ यहोवा का आत्मा मंडरा रहा था, तो उस पे देखने के लिए कौन था। ऐसे ही बेतु की बातें इन लोगों के पास है, तो इन लोग तो इन बातों पे विचार करते नहीं है। ये लोग, ये मूर्ख लोग इस बातों पे विचार करते नहीं है, वेद से प्रश्न करते हैं। मुझे भी दो एक बार कॉल किया, वेद के बारे में पूछा, तो जहाँ जहाँ वो निरुत्तर हुआ, जहाँ जहाँ उसको मिला जवाब मिला, वो उस जवाब को नहीं लगाया उसने। उसने क्या किया, काट छाट करके लगा के रखा उसने। अगर तुम अपने माँ आप में इतनी ही बड़ी विद्वान हो, अपने को तुम इतनी बड़ी विद्वान मानते हो, तो इस बातों का जवाब दे के दिखा दो। तुम्हारी उत्पत्ति से तो तुम नंगा हो जाओगे, इसमें तो बात कर ही नहीं पाओगे तुम। और जहाँ मैथुनी सृष्टि थी हमारे हिसाब से, तो आज ये पृथ्वी की वेद की आई हुई 1,96,53,121 साल चल रहा है। जहाँ मैथुनी सृष्टि थी आज की 3000, ये 2000 कब आया है उसका बाइबल, कोई बोलता है 2020, कोई बोलता है 3000, कोई 5000 भी बोल देते हैं, लेकिन छोड़िए वो टॉपिक को। जहाँ मैथुनी सृष्टि थी, उस मैथुनी सृष्टि में मरियम की गर्भ से यीशु का जन्म हुआ, कैसे संभव हुआ बिना बाप का। इसीलिए तो पूरी बाइबल ने यीशु की बाप की वो परिचय दिया नहीं है, जहाँ यीशु की ये बाप है। यीशु की बाप की अगर परिचय बाइबल दे दे तो तुम क्रिश्चियनों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होगी। और जहाँ ये आया बिना नुथवा के, बिना वीर्य बिना नुथवा के यीशु की जन्म हो गई, इसको तुम लोग मान रहे हो, यीशु के जो गुण है तुम धारण कर रहे हो। जहाँ यीशु दृष्टांत सुना रहा है, जो मुझे नहीं मानता उसको कत्ल कर दो, अगर ये दृष्टांत, ये अगर किस्सा यीशु सुना रहा है, तो राजेश तू भी क्या ऐसे ही किस्सा सुनाएगा, जो मुझे पादरी नहीं मानता उसको कत्ल कर दो, ये तू भी सुनाएगा क्या। अगर तेरे में दम है, तुझे तो बुला ही रहे सामने, आ जा आ जा आ जा, तू सामने तो आता नहीं है, उल्टा तू चिल्पो करते रहता है। तो मेरे भाइयों, बाइबल में ऐसी बेतुकी बातें पड़ी हैं, अगर मैं बाइबल को खोल के आप लोगों के सामने बैठ जाऊं तो नंगा मैं ही करा दूंगा, ये गुरुजी की जरूरत है नहीं, मैं नंगा करा के छोड़ूंगा इन लोगों को। और जहां आया है ये लेब व्यवस्था, बाइबल की लेब व्यवस्था, जहां बोला है पत्थर को पिघला के पीतल को बनाया जाता है, भाइयों आप लोग खुद विचार करिए, जहां हमारी यहां बन रहा है पीतल, तामा और दस्ते से हम लोग पीतल बनाते हैं, हम लोग अपने आंखों के सामने देखते हैं, हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो खुद बना लेंगे। तो ये मूर्ख परमेश्वर जहाँ बोल रहा है पत्थर को पिघलाओ, पत्थर को पिघलाया जाता है मूर्ख, इन लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अगर इस सवाल को हम लोग पकड़ने जाएंगे तो वो लोग घुमा 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 के जवाब देंगे ही नहीं, आपको आधा घंटा तक इसी सवाल में घुमाते रहेंगे, ऐसे मूर्ख लोग है ये। आज सुबह सुबह मैंने देखा, एक वीडियो को देखा था, तो गुरुजी को भी लगा रखा था, मुझे भी लगा रखा था, अरे मूर्ख तू खुद देख तेरे पास क्या है। अगर तेरे पास सही है
तो उतना बोलेगा क्यों? हमारे पास सही है, इसीलिए तो हम तुम्हारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं जो तुम्हारे गलत है। और कुरान वालों को तो कयामत तक की समय दिया है, उस दिन भी आप लोगों ने देखा था नासिर कुरैशी, जहाँ ऋषि शब्द बोल के ही वो अटक गया, वो उससे आगे वो जा नहीं पाया। ऐसे ही अटका दूंगा मैं, गुरुजी की ज़रूरत नहीं है। हम अगर बाइबल को खोल के बैठे तो यहीं पे उसको नंगा कराना संभव है, मेरे लिए तो संभव है। दोस्तों बाइबल की ऐसी ऐसी बातें हैं जहाँ परमेश्वर मूसा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मूसा को, जो तुम परमेश्वर की धरती पे हो तुम जूता खोल के आओ। क्यों? परमेश्वर को क्या मूसा की जूता पसंद आई थी? हैं, जूता पसंद आई परमेश्वर को मूसा की? ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी बातों को जहाँ हम बोल रहे हैं कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, इस तर्क के अनुसंधान थे सधर्व बेते ने तारा, जहाँ हम लोग बोल रहे हैं तर्क की कसौटी पर कसो, ये हमारे ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। वेदों से ऐसी बातें निकाल के दिखा दे जहाँ त्रुटि रह गई हो, जहाँ कुछ कमी रह गई हो, वेद पूर्ण है। इसीलिए हम संतुष्ट है, हम सब आर्य भाई जितने मानव कहलाने वाले हैं जो वेद को मानते हैं, हम सब संतुष्ट है। क्यों? हम पूर्ण है, तुम्हारा पूर्ण नहीं है, इसीलिए तो तुम उलझ रहे हो इतना। अगर तुम्हारे पास पूर्ण होता तो तुम कैसे उलझते? तुम्हें जरूरत ही नहीं था। यही सवाल इस मूर्ख से मैंने किया था कि अगर तेरा बाइबल पूर्ण है कि नहीं, राजेश सुन ले मेरी बातों को और इन सब बातों का जवाब दे देना। तो तेरा बाइबल अगर पूर्ण है तो तू वेद को क्यों जानना चाहता है मेरे भाई? तू बाइबल को जानना चाहता है तू जान। अगर तू बाइबल सुना के मुझे खुश करा सकता है तो मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ, नहीं करा सकता ना। लेकिन मैं वेद पढ़ा के, वेद समझा के तुझे खुश करा सकता हूँ, तुझे आ रही है, तुझे बना सकता हूँ मैं। इसीलिए तो तू सामने नहीं आ रहा है, इसीलिए तो सामने नहीं आ रहा है। बाखूबी तुझे भी ये बात पता है कि मैं नंगा हो जाऊँगा। तो दोस्तों नमस्ते सबको, बहुत बहुत गुरु जी सबको बहुत बहुत नमस्ते। जो मेरे इस वीडियो को सुनेगा उस भाई को बहुत बहुत नमस्ते। लेकिन राजेश के लिए मैं अंतिम मैसेज देना चाहूँगा, जो जो मैंने बात की अगर उसके पास जवाब है तो उत्पत्ति के विषय में एक वीडियो बना के दिखाए। नमस्ते सब भाइयों को। आप लोगों ने सुना बंधुओं, अभी और आप लोगों को दे रहे हैं खजाना, यह गणेश जी का जवाब है। एक ईसाई है राजेश, जो आप लोग पहले भी सुने हैं, कल उसका भी फ़ोन आया था मेरे पास। तो जब पहली बार उसने मेरे से संपर्क किया तो मैं उसने कहा उससे कहा मैंने कि भाई वैसे ही सामने बैठ कर के बात हो सकती है, अगर आप डिबेट के लिए तैयार हो जाओ तो सामने बैठ कर के हम डिबेट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किनके पास क्या है और कौन कितना जानता है, वो तो सामने बैठने की बात है। तो अज्ञानता का पुलिंदा लेकर के, अज्ञानता की बातों को लेकर के आप दुनिया वालों के सामने में क्या दिखाना चाहते हो? अभी गणेश जी ने एक ही सवाल उठाया कि हज़रत ईसा मसीह बिना बाप का पैदा कैसा हुआ, कि ये कुरान और बाइबल दोनों बोले। कुरान के मानने वाले भी बताए, जो साइंस दुनिया भर के भाज रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, और वो एक मेडिकल साइंस का पढ़ा हुआ बता रही, MBBS बता रहा है। इसीलिए तो मैंने इसलिए मुन्ना भाई कहा कि ये मुन्ना भाई, ये जितने भी हैं ये सारे मुन्ना भाई हैं, ये लोग बताए तो सही कि ईसा मसीह का बिना बाप का पैदा होना क्यों और कैसा संभव है। और फिर उस ईसा मसीह को अल्लाह ने घर का छत फाड़ करके आसमान पर उठा लिया, कितनी मूर्खता की बात है, फुहड़पना की बात है। और इसे लोग पत्थर की लकीर मान रहे हैं, और गवाह कुरान है, बाइबल है। केवल इतना ही नहीं, उसी ईसा को मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाते हुए बताया गया है, मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाता था। और ईसा मरे हुए आदमी को भी जीवन दान देता था। ये सब कुरान और बाइबल में ही मौजूद है। ये सब विज्ञान विरुद्ध बात है, सृष्टि नियम विरुद्ध बात है, मानवता विरुद्ध भी है। और ये दोनों, कुरान और बाइबल, दोनों जगह मानवता विरुद्ध बात है। मानवता विरुद्ध बात इतनी ऐसी ऐसी है कि मैं बोलूँगा तो आप लोग भी
हंसते हंसते आप लोगों के पेट फूल जाएंगे। ये दिमाग से तस्लीम करने लायक ही नहीं है इनकी बातें कुरान और बाइबल की। तो मैं निमंत्रण इसीलिए दे रहा हूँ कि आए सामने आकर के डिबेट करें, सच्चाई का पता दुनिया वालों को भी लगना चाहिए कि सच्चाई कहाँ है, वेद में सच्चाई है या कुरान और बाइबल में सच्चाई है। ये दूर से बैठ करके चिरपो कर रहे हैं, सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। खुला दरबार है, मैंने उसमें शर्त ये रखा कि हम स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके करेंगे ताकि कोई उसको मना ना कर पाए, इनकार ना कर पाए, मुकरने ना पाए, ये हमारा नहीं है करके। और मैं ये बोल दिया कि मैं हार गया बाइबल के पास, बाइबल वालों के पास हारा तो ईसाइयत कबूल करेंगे, कुरान वालों के पास हारा तो इस्लाम स्वीकार करेंगे। और जो जो आए हैं मेरे सामने सब मुंह के बल गिरे। ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने, यूट्यूब में लगा हुआ है, चाहे वो अब्दुल्ला तारिक हो, जो अब्दुल्ला तारिक इतना भाँचता है, वो अब्दुल्ला तारिक की भी खाट खड़ी हो गई और उसने बोला हम हर सप्ताह में आपके पास आने के लिए तैयार हैं बैठने के लिए, बुलाते रह गए, आज तक आते ही रहा। ये 2008 की बात है, 8 फरवरी 2008। और हमारे गणेश जी ने छोटा सा ही प्रश्न किया है कि फ़ोन करके क्या बात करते हो, चाहे गुरुजी से करो चाहे मेरे से करो, तो हमें आवश्यकता नहीं है सामने आने की। मैंने इतना तैयार किया, अभी तो सारे बच्चे हमारे बोले नहीं, सब बच्चे जिस दिन बोलने लगेंगे तो समझ लीजिए कि ये पब्लिक सेक्टर में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। इतने बच्चे हमारे तैयार हुए और एक से एक तर्क को लेकर के आएंगे और ये तर्क के सामने धराशायी हो जाएंगे, चाहे वो कुरान वाला हो चाहे बाइबल वाला हो, क्योंकि इन दोनों के पास अंधविश्वास है। ये लोग सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई के नज़दीक आना नहीं चाहते हैं, कुरान और बाइबल को पत्थर की लकीर मानते हैं जिसमें असत्य बातों की गुंजाइश है, जिसमें असत्य बातें हैं। एक सवाल मैं कुरान वालों से भी कर रहा हूँ, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो चाहते हैं सो करते हैं, अल्लाह की मन में बात आती है वो हो जाता है, ये सभी बातें अगर है तो हज़रत मोहम्मद साहब को जिहाद करना क्यों पड़ा? जंग उहुद, जंग बदर, 27 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, और कुरान बता रहा है कि अल्लाह उन्हें सहयोग देते थे फरिश्तों के द्वारा। अरे भाई, और उसी लड़ाई में हज़रत मामा साहब ने अपने दांत भी तोड़वाए, तो टूटे हुए दांत को ही अल्लाह नहीं लगा पाए। मैं ये जो बोल रहे हैं ना कि इंशाल्लाह माशाल्लाह और ये है वो है, दुनिया भर का बकवास कर रही है, मैं बकवास करने वालों से कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने अपने दांत तोड़वाए लड़ाई में, जिहाद में, अल्लाह उस दांत को क्यों नहीं लगवा पाए? जब अल्लाह के पास इतनी ताकत नहीं है तो क्या ये इंशाल्लाह माशाल्लाह और ये वो दुनिया भर का बकवास किए जा रहे हैं? अल्लाह कुछ नहीं कर सकता है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी एक मौलाना का फ़ोन आया था, उसको मैंने बोला कि भाई आप इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कान लम यशाउ लम यकुन, कुरान भी कह रहा है वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, बहुत जगह बहुत कुछ बोला है। मैंने कहा कि ये 5 के 5 ज्ञान इंद्रिय एक जगह है, नाक, कान, मुंह, आँख, जीभ, ये मुंह माने त्वचा, ये 5 के 5 ज्ञान इंद्रिय इसको बोला जाता है, 5 के 5 ज्ञान इंद्रिय एक जगह है। अल्लाह कान का काम आँख से करा करके दिखाए, अल्लाह नहीं अल्लाह से बढ़ करके कोई और शक्ति है दुनिया में, उसके लिए भी किया जाना संभव नहीं है, ये अल्लाह की बकवास है, कोरा झूठ है। कुरान झूठ का पुलिंदा कुरान और बाइबल में है, कुछ नहीं कर सकते हैं और उसे ही पत्थर की लकीर मान रहे। मैं बोला तो कुछ कर सकते हैं अगर तो इतना ही करके दिखा दे, ये कान का काम आँख से करके दिखा दे या आँख का काम नाक से करवा के दिखा दे, ये सब होना संभव नहीं है। यही है ईश्वरीय व्यवस्था,
इसीलिए अल्लाह या यहोवा ने दुनिया नहीं बनाई, दुनिया बनाने वाला परमात्मा है। जिस परमात्मा को लोगों ने जाना नहीं, उस परमात्मा और ईश्वर को एक बता रहे हैं। कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक बता रहा है, जबकि उसके ना तो कुरान का काम मालूम और ना वेद का वह पता। ये सब बातें हो रही हैं आज, तो इन सब की पड़ताल के लिए सामने आना पड़ेगा। सामने आए बगैर बात बनना संभव नहीं है। मैं आह्वान कर रहा हूँ, हमारे सारे बच्चे भी बुला रहे हैं, और गणेश जी ने तो अभी कहा है कि गुरुजी की अभी आवश्यकता नहीं है, जरा हमसे निमट ले पहले, हमसे बात कर ले पहले, हम तो नंगा करके छोड़ेंगे। ये सब बातें हैं, अगर ये हिम्मत रखते हैं तो सामने आ करके डिबेट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग मेरे इस वीडियो को सुनिए, मेरी इस आवाज़ को सुनिए। गणेश जी ने जिसको बोला है, मैं भूमिका के रूप में इतना सही कहना मेरे लिए ज़रूरी था, तो वह आप लोगों के सामने मैंने रखा। आप सबको चाहिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बिल दबाइए, जिससे कि हमारा ये रابطہ कायम रहे। धन्यवाद के साथ, महेंद्र पाला।